किसके पास है बच्चा? अच्छा वो हमारे स्कूल में जो वहाँ पे प्लांट में पानी नहीं ना, तो इसीलिए मिट्टी डलवानी है। कुछ तो डलवा दिए हैं गेट के पास, देखियो फिर व्यवस्था कराएंगे तो फिर हो जाएगा। खाना नहीं बनता है, खाना नहीं बनता पहले बच्चे शौचालय नहीं था तो बच्चे बाहर जाते थे और लड़कियों को तो बहुत दिक्कत होती थी, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो हम लोगों ने एक पत्र लिखा और बाल मंच की बैठक में, तो फिर सभासद को पत्र लिखा, फिर सभासद ने उनको लिखा डीएम को। फिर डीएम ने हमारे मदद की। उमरा जब शुरुआत में थी तो बहुत ही संकोची, मतलब एक शब्द भी मुँह से नहीं निकलता था। उसके बाद ये पढ़ने में एकदम कमज़ोर थी, शुरुआती समूह की थी। तो इस तरह से काम होता रहा तो उमरा को जो ये आने लगी और इसको फिर जब इसके बारे में इनके अनुभव निकलवाए जाने लगे तो ये इसका बोलना शुरू हुआ। फिर बड़े जात के हैं, ठाकुर ब्राह्मण के बच्चे हैं, तो पढ़ लिखे के बड़े बड़े स्कूल चले जाते हैं। हम लोग पढ़ा नहीं पाते हैं तो छोटी स्कूल का मदद करा जा सब पड़ोस में, तो जात का भेदभाव नहीं ना ही बच्चों को भेदभाव। यार अगर सीता का बता दे कितना शीतल कितना निर्मल, हिमगिरी के हिम से निकल। जब तक सही बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिलेगी, हम जिस तरह का खुशहाल समाज चाहते हैं, एक समावेशी विकास चाहते हैं, वो संभव नहीं है। और कहीं ना कहीं सरकारी स्कूलों के माध्यम से वंचित बच्चों की शिक्षा की पूर्ति नहीं हो पा रही थी। अगर हम लोग वंचितों के शिक्षा की बात करते हैं तो वंचितों का ज्ञान स्कूल में कहाँ है? ये दंबेल है, दंबेल पत्ती, एक पत्ती जो है काली मिर्च डाल करके। स्कूल आना अच्छा लगता है या घर जाना अच्छा लगता है? स्कूल आना अच्छा लगता है। घर में बोरिंग है, बैठे खराब हो जाता है जी। घर पर खाली काम करो, घर पे उन्हीं काम करो, स्कूल में आओ पढ़ो लिखो खेलो, स्कूल में बढ़िया पढ़ो खेलो खाना खाओ फिर पढ़ो।